नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक्साइड इंडस्ट्री में हमें शॉर्ट का ट्रेड लेना है क्योंकि इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा है। 75 मिनट डाउन है और 25 मिनट भी डाउन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सो आप देख सकते हैं ये डाउन था, ठीक है, 75 मिनट पे भी डाउन था और 25 मिनट पे भी ये डाउन था, जिसके लिए मैंने शॉर्ट सेलिंग के लिए ट्रेड लेने के लिए बोला था। सो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, आज ही के दिन जो प्राइस है वो नीचे की ओर ट्रेवल की है, नीचे की ओर मूव किया है प्राइस ने। सो दोस्तों, हमें जो है इसमें टारगेट मिला है, ठीक है। सो बहुत सारे लोगों ने, जिन लोगों ने इंट्रा डे में ट्रेड लिया होगा, उनको बहुत ही ईजली शॉर्ट का ट्रेड मिला होगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे 25 मिनट का जो ट्रेंड है वो भी हमारा डाउन ही है, ठीक है, वो भी हमारा जो है डाउन ही था। आप मेरी पिछली वाली वीडियो में देख सकते हैं, मैं आपको अपनी पिछली वाली वीडियो में दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरी जो पिछली वाली वीडियो है जिसमें मैंने एक्साइड इंडस्ट्री शेयर के बारे में मैंने जिक्र किया था अपनी, जैसे कि आप इस वाली वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, आप मेरे चैनल पे जाके इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। ये 4 शेयर बढ़ेंगे, जल्दी वीडियो देखो, 1 वीक तक का प्रॉफिट आपको मिलेगा। मतलब 1 वीक तक वो प्राइस आपको अप डाउन मूव जब करेगी तो आपको प्रॉफिट दे सकती है। सो एक्साइड इंडस्ट्री को मैंने इस वीडियो में कवर किया है, आप इस वीडियो को जा करके देख सकते हैं, ये वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। कल ही मैंने ये वीडियो अपलोड की थी। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने एक्साइड इंडस्ट्री के बारे में बताया था कि एक्साइड इंडस्ट्री का जो है डाउन ट्रेंड है, 75 मिनट डाउन है, 25 मिनट भी डाउन है, जिसमें आप शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, वो इस वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, 25 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो एक्साइड इंडस्ट्री में ऑलरेडी डाउन था, आप देख सकते हैं डाउन था, ठीक है, आप देख सकते हैं पिवट पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, डाउन था, ठीक है। इसके बाद जैसे फिर मार्केट यहाँ पे खुली, मार्केट हमारी यहाँ पे खुली, ठीक है, तब भी ये डाउन ही हो गया, ठीक है, आप देख सकते हैं तब भी ये डाउन ही हो गया, लोअर लो लोअर हाइज, ठीक है, लोअर लो लोअर हाइज, यानी कि डाउन ट्रेंड, ठीक है दोस्तों। सो ये डाउन ट्रेंड था, 25 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी डाउन ट्रेंड था और 75 मिनट के ट्रेंड पे भी ये क्या था, डाउन ट्रेंड ही था। सो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप इसमें शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं, आप इसमें 5 मिनट या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, आप मेरी वीडियो जाकर के देख सकते हैं। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करके। सो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे सेलेक्ट किया है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं जो मार्केट है वो हमारी यहाँ पे ओपन हुई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये जो ब्लैक वाली लाइन है इसके बाद जो कैंडल बनी है ना, ये रेड वाली, ठीक है, मार्केट यहाँ से ओपन हुई थी, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है, इसके बाद प्राइस नीचे गई, फिर यहाँ पे आके बंद हो गई, ठीक है, इसके बाद फिर प्राइस ऐसे 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 करते करते नीचे की ओर चली गई, ठीक है, आप देख सकते हैं इसका डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, ठीक है, मतलब डाउन में ये प्राइस गई है, ठीक है, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा डाउन गई है। तो इतने मतलब जो प्राइस है ना, प्राइस ने इतना ट्रेवल किया है, ठीक है, आप देख सकते हैं प्राइस ने इतना ट्रेवल किया है क्योंकि मैंने पहले बता दिया था 75 मिनट डाउन रहेगा, 25 मिनट डाउन रहेगा, ठीक है, शॉर्ट ट्रेड लेना है कहां तक, टिल 75 मिनट डिमांड जोन तक। तो आप देख सकते हैं यहां पे ये हमारा 75 मिनट का डिमांड जोन है और ये 75 मिनट का सप्लाई जोन है, ये वाला, ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले मैं आपको इसका मूव दिखा देता हूँ कि कहां से कहां तक का हमको इसमें मूव मिला है, ठीक है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं जब प्राइस यहां पे शुरू हुई, आप देख सकते हैं प्राइस यहां पे ओपन हुई थी, ठीक है, प्राइस जो है ना यहां पे हमारी ओपन हुई थी, यहां पे ओपन हुई थी, इसके बाद ये यहां तक हाई गई थी, इसके बाद फिर ये यहां से यहां तक का हमको मूव मिला, इसके बाद फिर यहां तक का मूव मिला, ठीक है। सो यहां से लेके हमें यहां तक का मूव कैच करने को मिला है, इतना मूव हमको आज की डेट में मिल गया है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कितने पॉइंट हमने कैच किए होंगे इसके अंदर,
80 के बाद आप डाउन में जाएंगे तो 75 मान के चलिए, 475 मान के चलो, तो 475 से लेकर हमको जो मूव मिला है वो हमको 64, 65, 66, 462, 475 से लेकर 462 तक का मूव हमको यहाँ पे मिला है, ठीक है। सो इतने मूव में काफी अच्छा प्रॉफिट 2:1 या 3:1 लोगों ने निकाला होगा बहुत ही आराम से, ठीक है दोस्तों। सो यहाँ भी हमें जो है एक्साइड इंडस्ट्री में हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिला शॉर्ट के ट्रेड में, आप देख सकते हैं चार्ट आपके सामने है। अगर ना समझ में आए तो कमेंट्स करके पूछ लेना, 24 घंटे में आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 75 मिनट का डिमांड जोन बनाया था, यहाँ पे एक 75 मिनट का सप्लाई जोन बनाया था, आप देख सकते हैं 75 मिनट के टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन, 75 मिनट के टाइम फ्रेम का डिमांड जोन। तो प्राइस को जो है इन्हीं दोनों जोन के बीच में ट्रेवल करना था, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑलरेडी ट्रेंड यहाँ पे डाउन था, तो फिर ये डाउन ही गया, यहां से हमारी प्राइस ओपन हुई, यहां पे गई, यहां आई, फिर ये यहां से यहां तक गई, ठीक है। सो ये जो प्राइस है ये डिमांड जोन तक आएगी, डिमांड जोन तक का ट्रेड लेने के लिए मैं ऑलरेडी बोल चुका था, मैंने अपनी वीडियो में आपको पहले ही बता दिया था, जो वीडियो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी उसमें मैंने बताया था, वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। उस वीडियो में ऑलरेडी मैंने बताया था कि जो प्राइस है वो 75 मिनट के डिमांड जोन तक ट्रेवल करेगी, जिसमें आप शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, यहां से यहां तक का मूव कैच कर सकते हैं। सो दोस्तों मैं ऑलरेडी बता चुका था, तो काफी सारे लोगों ने जो है शॉर्ट का ट्रेड लिया होगा, मूव को कैच किया होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे जो ट्रेड है वो पास हो गया है, ठीक है, शॉर्ट का ट्रेड पास हो गया है। सो ये जो प्राइस है अभी नेक्स्ट डे यहां तक मूव कर सकती है, यहां तक मूव करेगी, इसके बाद वापस फिर लॉन्ग का ट्रेड लेना है। अगर यहाँ पे आएगी डिमांड जोन पे आएगी तो डिमांड जोन से लॉन्ग का ट्रेड लेना है, कहां तक, 75 मिनट के टाइम फ्रेम तक, सप्लाई जोन तक, यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। सो इस तरह से चीजें होती हैं दोस्तों। ये थी लेटेस्ट न्यूज एक्साइड इंडस्ट्री शेयर के ऊपर। सो दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज मैं आप तक लाता रहूंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, यहां पे मैं शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, 24 घंटे में आपको रिप्लाई दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।